हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल का वायरल कैसे लिया जाता है। यूट्यूब चैनल का वायरल लेने से आपको बहुत सारा फायदा है। जैसे कि आप अगर गूगल पर जाकर आप अपना यूट्यूब चैनल का अगर वायरल इंटर करते हैं तो वहां से आपका चैनल का सारा डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो आइए अब हम जानते हैं कि यूट्यूब चैनल का वायरल कैसे ले सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्या चीज़ है। तो सबसे पहले आपका जो चैनल है 30 दिन पुराना होना चाहिए। इसके बाद आपके चैनल पर जो है प्रोफाइल लोगो लगा होना चाहिए। आपके चैनल पर 100 सब्सक्राइबर होना चाहिए। आपके चैनल पर एक बैनर लगा होना चाहिए, तभी जो है आप अपने चैनल का कस्टम यूआरएल जो है ले सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि कस्टम यूआरएल कैसे लिया जाता है यूट्यूब चैनल का। सो फ्रेंड, मेरा नाम है विशाल कुमार, आप देख रहे हैं प्यारा चैनल बार्माटेज। चैनल पर नए आए हैं तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप यूट्यूब को गूगल क्रोम में आसानी से ओपन करके डेस्कटॉप मोड को ऑन कर लीजिएगा। ऑन करने के बाद आपको जो है अपने चैनल को लॉगिन करना है YT स्टूडियो को। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर एक कस्टमाइज का आइकन दिख रहा होगा। कस्टमाइज वाला आइकन पर जो है क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर एक आइकन दिख रहा होगा बेसिक इन्फो, इसी वाला आइकन पर आप लोगों को जो है क्लिक करना होगा। यहाँ पर आप चैनल के अबाउट में बारे में लिख सकते हैं कि आप चैनल पर क्या बताना चाहते हैं, क्या बता रहे हैं, वो सब आप यहां से लिख सकते हैं। इसके बाद आपको नीचे में आना है। तो नीचे में जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि चैनल जो यूआरएल, अभी जो आपका यूआरएल है चैनल का ये है, ये कस्टम यूआरएल फॉर ए चैनल, इस पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद हमें ये जो यूट्यूब है सजेशन दे रहा है कि आप इस तरीके का जो है यूआरएल ले सकते हैं। जो ये यूआरएल है अभी तक कोई नहीं लिए हैं, इसलिए आप जो है यूआरएल जो ये ले सकते हैं। तो ये जो यूट्यूब सजेशन कर रहा है, तो आप अगर अपने अनुसार अगर कस्टमाइज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप जैसे बर्मा स्पॉट, तो बर्मा स्पॉट में नाम है तो आप यहाँ से कुछ लेटर भी लिख सकते हैं कि ऑफिशियल या स्पॉट। इस यूआरएल को चूज करेंगे क्योंकि हमें बेस्ट लग रहा है। इस यहाँ पर ईमेल आईडी इंटर करना चाहते हैं, बिजनेस ईमेल आईडी, क्योंकि जो भी आपसे अगर मेल करेंगे तो वहीं जो मेल अबाउट वाले चैनल पर, तो वहीं ईमेल आईडी जो वहाँ पर शो होता है। इसके बाद आप लोग पब्लिश वाला आइकन पर जो है क्लिक करना होगा। पब्लिश वाला आइकन पर क्लिक जो है यूआरएल हो चुका है। इसके बाद आप लोग कन्फर्म वाला आइकन पर जो है क्लिक करना होगा। कन्फर्म वाला आइकन पर क्लिक करने के बाद जो आपका, देखिए जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपका यूट्यूब चैनल का यूआरएल जो है ये हो चुका है। ये चैनल का जो यूआरएल है पहले से, लेकिन जो ये आपने कस्टम बना लिया है, यही जो है आपका यूआरएल हो चुका है। अब इसके बाद देखिए, जैसे कि अगर आप यूट्यूब पे या कहीं पर वेबसाइट पर जाते हैं या गूगल पे भी, गूगल पे आने के बाद जैसे कि youtube.com जो आपने यूआरएल बनाया है उसको अगर आप पेस्ट कीजिएगा तो डायरेक्ट जो है आपका चैनल का डैशबोर्ड ओपन होगा। देखिए कि जैसे कि हम यहाँ पर अपना चैनल का डैशबोर्ड आसानी से ओपन कर ले रहे हैं। इस तरीके से जो आप यूआरएल लेकर, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मैंने अपना youtube.com पर मैं शोर्ट लिखा, इसके बाद मेरा चैनल जो है आसानी से ओपन हो चुका है। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आप यूट्यूब चैनल का कस्टम यूआरएल लेना सीख चुके होंगे। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को भी लाइक करना है। अभी आपका मन में डाउट चल रहा होगा तो नीचे मुझे कॉमेंट करके सवाल पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।